दोस्तों, आज के फास्ट युग में हम चाहते हैं कि हमें जो भी कॉल आए हमारे फ़ोन में वो काम के आए, या तो कुछ ऐसे दोस्तों के आए जिसे हम बात करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि अननाउन कॉल्स इतने आते हैं, स्पैम कॉल्स इतने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके रखते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा होता है कि जब भी हमें कॉल आता है तो उसका नाम भी शो होता है। और साथ ही में अभी ट्रू कॉलर में आपने इंस्टॉल किया है तो एक नया अपडेट भी आपने देखा होगा कि जिसमें आपको पहले 3 सेकंड ही पता चल जाता है कि आपको किस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो उसको आपका नाम जो शो होता है वो गलत शो होता है, यानी कि दूसरे आदमी का शो होता है या तो कोई और। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपके नाम से नहीं, आपके सिटी के नाम से, आपके काम के नाम से, आपकी दुकान के नाम से फ़ोन नंबर सेव किया है, तो आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो आपका नाम वो शो होगा। तो इससे आप अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ये रिमूव करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और साथ तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है वो क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर दीजिए वीडियो पसंद आती है तो। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लेना है। मान लीजिए कि हमने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लिया तो इसकी आगे की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। बेसिकली आप जो भी नंबर यूज़ कर रहे हैं और जो भी नंबर में आप उसको चेंज करना चाहते हैं, नाम आपका जो है बदलना चाहते हैं, या तो ट्रू कॉलर में से हमेशा के लिए आपका नाम रिमूव करना चाहते हैं ताकि कभी भी आप किसी को कॉल करें तो आपका नंबर ही शो हो, और या तो उस व्यक्ति ने आपका फ़ोन नंबर सेव किया है तो जो भी नाम नंबर सेव किया है वो शो हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लिया है और हमने लॉगिन भी कर लिया, इसको मान के चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपना ट्रू कॉलर में नोटिफिकेशन में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट है ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू कॉलर में कि आपका नाम जो है वो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका ओरिजिनल नेम रख सकते हैं और साथ ही में लास्ट नेम में आप जो भी ओरिजिनल आपकी सरनेम है वो रख सकते हैं। कई बार लोग ये गलत जानकारी जानबूझ कर रखते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप अगर अपना नाम सही करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते ही नहीं कि ट्रू कॉलर जिसने भी इंस्टॉल किया है वो उसको आप कॉल करें तो आपका नाम शो हो, तो सब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। ट्रू कॉलर के सेटिंग में ही यहाँ पे आपको देखिए 3 डॉट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे रहना है, और साथ में यहाँ पे जो सेटिंग का बटन है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही ये आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी सेंटर दिखेगा। प्राइवेसी सेंटर जैसे ही दिखता है वहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। नीचे में फर्स्ट सेकंड डीएक्टिवेट जो लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। अगर आप कभी भी ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो आप इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही यस देंगे तो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ ही कहानी ख़त्म नहीं होती, आपको इसके बाद एक और स्टेप करना है जो अगर आप नहीं करते तो ट्रू कॉलर आपका जो भी नाम है वो आप जिसको भी कॉल करेंगे तो वो बताता रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। तो आपको सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे truecaller.com/unlisted ऐसी जो एक लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा वो ओपन कर लेनी है। हमने ओपन कर लिया है ब्राउज़र में truecaller.com/unlisting। ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे जो सर्च फ़ोन नंबर है वहाँ पे नहीं जाना है, आप नीचे चले आइए। तो नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखना है, इंडिया का जो कंट्री कोड है +91 वो भी लिखना है, +91/ बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। बाद में आई एम नॉट रोबोट वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपका अनलिस्ट फ़ोन नंबर है वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा है वहाँ क्लिक कर देना। ये प्रोसेस होने के बाद ट्रू कॉलर कभी भी आपका नंबर किसी को जो नाम है वो नहीं दिखाएगा। अगर उसने आपका नाम सेव किया है तो भी उसको आपका नाम पता चलेगा, वरना आपका नंबर ही शो होगा अगर उसने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया है
तो भी। ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट माहिती। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये प्रोसेस को जाने तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी उनको बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी टेक्निक जानने के लिए, टेक्नोलॉजी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन रखें और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।